अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक WhatsApp का नया लेटेस्ट अपडेट आया है उसके मुतालिक हम आपको बताने वाले हैं, उससे रिलेटेड बातें बताने वाले हैं कि WhatsApp में क्या नया कमाल का फीचर आया है जिससे आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो मन में आपके सवालात हैं, जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर्स आप पा सकते हैं। तो चलिए हम सीधे आपको WhatsApp में लेके जाते हैं और WhatsApp में क्या यूनिक फीचर्स आया है जो 2024 और 25 में कमाल करने वाला है। तो आप ये यूनिक फीचर को ज़रूर देखिए, ज़रूर सीखिए, आपके आगे बहुत सारे काम में आने वाले हैं ये WhatsApp के नया यूनिक फीचर्स। तो चलिए हम चलते हैं WhatsApp की तरफ। आपका जो मोबाइल में WhatsApp है उसको यहाँ से ओपन करना है, इस तरह से जैसे कि मैंने ओपन किया है। इससे पहले अगर आपका WhatsApp अपडेट नहीं है तो प्ले स्टोर से आप अपने WhatsApp को पहले अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका WhatsApp जो है ये खुल कर के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी सेटिंग्स हैं और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे इतने सारे सेटिंग्स हैं। तो इसमें से हम एक यूनिक सेटिंग जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो WhatsApp का लेटेस्ट नया फीचर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का बटन है, यहाँ पर प्लस का आइकन बना हुआ है, ठीक इसके ऊपर आपको एक सितारा या स्टार का जो चिन्ह है, निशान है, वो आप देख सकते हैं। तो इस पे आपको टैप करना है यानी क्लिक करना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, आस्क AI फॉर WhatsApp बिजनेस एनीथिंग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप जो है कुछ भी सवाल कर सकते हैं, जैसे कि बकेट लिस्ट, हाइक्स। अब जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, उसके बाद आप जो है AI फॉर WhatsApp बिजनेस के साथ जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस बिजनेस एट दिस टाइम, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। यहाँ पर और भी कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो कुछ भी आप यहां से पूछ सकते हैं, जिसे मैंने पूछा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो इसमें भी कह रहा है दिस फीचर नॉट अवेलेबल दिस टाइम, व्हाट काइंड ऑफ फीचर अवेलेबल दिस टाइम, इसमें भी कह रहा है कि ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। तो फ़िलहाल ये नया जो है इसका एक प्रोजेक्ट है WhatsApp का, लेकिन आगे चल के यहाँ पर आप कुछ भी अपना सवाल रख सकते हैं और उससे रिलेटेड जो है आप जो है कुछ भी यहाँ अपना आंसर पा सकते हैं। तो ये नया फीचर आपको WhatsApp का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।